राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में सोमवार को एनएसएस स्थापना दिवस और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने एनएसएस के लिए बड़ी घोषणा भी की। दरअसल उन्होंने 13 लाख रुपए विभिन्न कार्यों के लिए एनएसएस को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 50 लाख करने का घोषणा किया। साथ ही देश के विकास में एनएसएस की कार्यों की तारीफ की। आपको बता दें कि एनएसएस के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1500 स्वयं सेवक आए थे और इसी दौरान सराहनीय काम करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं इसके बाद सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। चर्चा के दौरान कथावाचक प्रदीप मिश्रा के दुष्कर्म वाले बयान पर सीएम साय ने कहा कि उनके कहने का आशय है, जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है वह रावण से कम नहीं है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र को लेकर सीएम साय ने कहा कि अब वह चिट्ठी लिखने से उन्हें कौन रोक सकता है, लेकिन यह तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय में है तो इस पर कार्रवाई होगी। आज यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एनएसएस का स्थापना दिवस का आयोजन था और जो एनएसएस के क्षेत्र में जो संस्थाएं, जो कैडेट्स मतलब उसके जो स्वयंसेवक हैं, अच्छा काम किए हैं, उनको पुरस्कृत करने का भी अवसर था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। इसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 1500 स्वयंसेवक आए हुए थे और पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर एनएसएस के स्वयंसेवक हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा का काम करते हैं, साक्षरता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं और कई तरह के काम निस्वार्थ रूप से करते हैं। एक राष्ट्र भावना इनमें पैदा होता है।